Hello all, welcome at Adam. Today we are going to start communication and system. Okay? Communication system is a very important paper for your ECE branch. ECE में अगर दो पार्ट है बताएंगे gate syllabus and the ESE, then the gate syllabus it includes minimum 15 marks. Out of 100 marks, it includes 15 marks, मतलब 15%. Gate में ESE में 25% marks. Double वाली one के लिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए गेट का तो कोई पार्ट नहीं है पर ईएससी में 10% है ठीक है सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक है सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या कम्युनिकेशन सिस्टम में हमें किस बात का ध्यान रखना है इस पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम का एनवायरमेंट क्या होगा मैं हर सब्जेक्ट में सबसे पहले ये बताता हूँ कि इस सब्जेक्ट में हम लोग करेंगे क्या कैसे उस सब्जेक्ट में हम लोग ग्रुप बनाएंगे उस सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि जो सर लिखवा दिए सिलेबस वही सिलेबस है सिलेबस भी बनता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि उस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं अपने मन से कोई सिलेबस नहीं होगा ठीक है सो समझिएगा व्हाट इज द कम्युनिकेशन सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम को मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से ठीक है मैं यहाँ पे आईफा पटना पे आप अपने रूम पे ठीक है इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर है लेकिन सुन पा रहे हो वहां पे देख पा रहे हो वहां पे समझ पा रहे हो वहां पे और हमारे और आपके बीच में बहुत का गैप है इसका मतलब क्या शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे इसका मतलब व्हाट इज द कम्युनिकेशन सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम इज डिफाइंड एज शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट ये दो पॉइंट नजदीक भी हो सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकते हैं दैट डजंट मैटर हमें इससे मतलब नहीं है बट हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपका इंफॉर्मेशन का शेयरिंग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है और हो पा रहा है तो कैसे हो पा रहा है कौन कर रहा होगा इसके अंदर हो कैसे रहा होगा अब जरा समझिएगा मैं यहाँ पर आप वहां पर इसका मतलब बीच में कुछ तो कुछ है तो जो बीच में है उसको मैं बोलता हूँ दिस इज फॉर योर सिस्टम सारे सब्जेक्ट में यही है इनपुट है सिस्टम है आउटपुट है जब तक सब्जेक्ट को नहीं समझेगा आपको समझ में नहीं आएगा कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं क्वेश्चन पे कमाल नहीं होगा ठीक है मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ बीच में हेडफोन है कैमरा है इंटरनेट है ये सब क्या है सिस्टम आप अपनी यूट्यूब से देख पा रहे हो और आप कैसे क्या निकाल रहे हो आउटपुट तो चलिएगा आपको इनपुट से मतलब नहीं है आपको इस सिस्टम से मतलब नहीं है आप बस ये देख रहे हो कि मुझे यूट्यूब से मुझे लेक्चर सुनने को मिल रहा है लेकिन ये इतना आसानी से तो हो नहीं पा रहा होगा तो अंदर हो क्या रहा होगा सिस्टम कर क्या रहा होगा यार मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ मेरा तो काम सिर्फ बोलना है इसका मतलब जो भी कर रहा होगा आपका एक सिस्टम कर रहा होगा तो आखिर सिस्टम कर क्या रहा होगा ये नेटवर्क थोड़ी ना है कि वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिए करंट फ्लो करा लिए पावर फ्लो करा लिए तो मेरा नेटवर्क हो गया ये कंट्रोल सिस्टम तो है नहीं कि सिस्टम स्टेबल करा दिया तो मतलब हो गया मुझे इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना है कैसे पहुंचेगा कैसे हो रहा होगा सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग ए वन वर्ड दिस इज कॉल्ड योर मॉड्यूलेशन व्हाट इज द मॉड्यूलेशन चलिएगा मेरा जो इन्फॉर्मेशन है दिस इज कॉल्ड योर वॉइस सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है ये फ्रीक्वेंसी रेंज आपका 300 टू 3000 हर्ट्ज होता है ये इन्फॉर्मेशन जो फ्रीक्वेंसी पे है कांट ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ से दिल्ली ट्रेवल नहीं कर सकता बीच में विलुप्त हो जाएगा ठीक ना बीच में खत्म हो जाएगा कैसे जाएगा मेरा इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगा ये जाने के लिए मैं अपने इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे पे सुपर इम्पोज कर दूंगा रख दूंगा और ट्रेवल करोगे आप पटना से दिल्ली जाते हो पैदल नहीं जा सकते लेकिन आप ट्रेन में सुपर इम्पोज हो जाते हो फ्लाइट में सुपर इम्पोज हो जाते हो मतलब तो अंदर चले जाते हो दिस इज कॉल्ड योर मॉड्यूलेशन सुपर इम्पोजिंग ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू द हाई फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड योर मॉड्यूलेशन ठीक है तो मॉड्यूलेशन को हम लोग समझेंगे डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में इस लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक है कम्युनिकेशन सिस्टम को समझने के लिए चाहे वो आपका एनालॉग कम्युनिकेशन हो चाहे आपका डिजिटल कम्युनिकेशन हो कम्युनिकेशन सिस्टम पे अच्छा कमांड होने के लिए आपको सिग्नल सिस्टम होना चाहिए उस सिग्नल सिस्टम में एक चैप्टर है दिस इज कॉल्ड योर फोरियर ट्रांसफॉर्म दिस इज कॉल्ड योर फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म पे कमांड होना बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन सिस्टम को समझने के लिए ठीक है ना सो The main part of the communication system is the two parts. First is the analog communication and the second is the digital communication. Analog communication
कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं गेट क्या, अगर मैं एनालॉग कम्युनिकेशन की बात करूं द गेट मास इज द 3 टू 4 मास, इन द सम ईयर दिस इज आल्सो द 4 टू 5 मास, ठीक है। एनालॉग कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट चैप्टर है दिस इज कॉल्ड योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। द सेकंड चैप्टर इज कॉल्ड योर एंगल मॉड्यूलेशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो आपका पार्ट्स होंगे दिस इज कॉल्ड योर फुल एएम, डीएसबीएससी डबल सेगमेंट सप्रेस्ड कैरियर, एसएसबीएससी, वीएसबी एंड देन रिसीवर, ठीक है। जैसे आप लोग रेडियो यूज करते हो, आप लोग जो फिलिप्स का रेडियो यूज करते हो उसको तो आप रेडियो बोलते हो, बट द टेक्निकल नेम इज कॉल्ड योर रिसीवर। कैसे लेसन आप सुनते हो 98.3 रेडियो मिर्ची, इट्स कॉल्ड दिस इज द रिसीवर। आप उस एफएम को, उस एफएम 98.3 रेडियो मिर्ची पे जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को आप रेडियो से सुन पा रहे हो। दिस इज, ये जो हुक कर रहा है वो कौन कर रहा है, रिसीवर कर रहा होगा। तो रिसीवर क्या कर रहा होगा, जहां पे रेडियो मिर्ची होगा वहां से इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा होगा, जनरेट होने के बाद ट्रांसमिट हो रहा होगा और ट्रांसमिट होने के बाद रिसीवर उसको डीमॉड्यूलेट कर दे रहा होगा। तो दिस इज द मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन व्हिच मींस सिस्टम, दिस इज कॉल्ड योर कम्युनिकेशन सिस्टम, ओके। द नेक्स्ट चैप्टर इज कॉल्ड योर एंगल मॉड्यूलेशन। द एंगल मॉड्यूलेशन दो पार्ट होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड द फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। द सेकंड पार्ट ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड योर, ये कम्युनिकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन इस कम्युनिकेशन सिस्टम का आपका सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट पार्ट होगा दिस इज द बेसलाइन ट्रांसमिशन। बेसलाइन ट्रांसमिशन में हम लोग पढ़ते हैं पल्स मॉड्यूलेशन, पल्स का मॉड्यूलेशन, ओके। पल्स मॉड्यूलेशन में दो पार्ट होगा आपका पास, एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट आपका ये होगा। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, दिस द PCM pulse code modulation, DPCM differential pulse code modulation, ADM बोल दो इसे additional district magistrate, DM बोल दो इसे district magistrate, no this is not additional district magistrate, this is the adaptive delta modulation, this is the delta modulation, ठीक है। The second part is the passband transmission। ये बेसबैंड क्या है, पासबैंड क्या है, ये सब हम लोग जब ये जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि बेसबैंड ट्रांसमिशन क्या है, पासबैंड ट्रांसमिशन क्या है। पासबैंड ट्रांसमिशन हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, इन एरे एंड द शिफ्ट की। शिफ्ट की में मेरे पास तीन पार्ट होगा, एएसके, एफएसके, बीपीएसके, ओके। इन एरे में हम लोग 4 बिट और 8 बिट का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट चैप्टर इज कॉल्ड योर नॉइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 99.99% स्टूडेंट का सबसे वीक जोन दिस इज कॉल्ड योर नॉइस, एंड द मेन रीजन बिहाइंड द नॉइस इज कॉल्ड योर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अपने आप में टफ है, जहां पे प्रोबेबिलिटी समाप्त होगा वहां पे कम्युनिकेशन सिस्टम आपका स्टार्ट होगा। सो प्रोबेबिलिटी पे कमाल होना बहुत जरूरी है आपका नॉइस समझने के लिए। एंड द मिनिमम मार्क्स आउट ऑफ 15 मार्क्स, 15 मार्क्स में से 5 मार्क्स कम से कम आपके नॉइस से आएंगे। तो सोच लो अगर कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा करना है तो आपको नॉइस पे कमांड करना होगा, और नॉइस पे अच्छा कमांड करना होगा तो आपको फॉरियर ट्रांसफॉर्म और आपको प्रोबेबिलिटी पे अच्छा करना होगा, ठीक है। उस नॉइस में एक स्पेशल नॉइस दिस इज कॉल्ड योर मैच फिल्टर। मैच फिल्टर से 2 मार्क्स आपके फिक्स है, ठीक है। एंड द लास्ट चैप्टर इज कॉल्ड योर इंफॉर्मेशन थ्योरी। इंफॉर्मेशन थ्योरी से आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, समटाइम्स 1 क्वेश्चन एंड समटाइम्स 2 क्वेश्चन, एंड इट बिलोंग्स टू 2 to 3 मार्क्स, ओके। सो अगर मैं एनालॉग कम्युनिकेशन की बात करूं तो 3 to 4 और 4 to 5 मार्क्स, सो रिमेनिंग मार्क्स इन द डिजिटल कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम पे आपको कमांड करना है, इतने सारे वैरायटीज के क्वेश्चन पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड बिकॉज ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म, इतने सारे वैरायटीज पॉसिबल है। सो कमांड करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करें, छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करते हुए उस पर न्यूमेरिकल कमांड करें। जब तक इस सब्जेक्ट में जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपके पास अच्छे कमांड पॉसिबल नहीं है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट योर एनालॉग कम्युनिकेशन का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्टार्ट, ओके। थैंक यू।